लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में आयोजित हेल्थ एंड हैप्पीनेस कैंप के चौथे दिन हाथियों के लिए भोज का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद 23 हाथियों ने जमकर भोज का आनंद उठाया। आपको बता दें, 7 सितंबर को शुरू किए गए 4 दिवसीय हाथी स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक द्वारा दुधवा के छंगा नाला हाथी कैंप में किया गया, जिसके अंतर्गत पहले हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि हाथियों का स्वास्थ्य पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर पाया गया है। सभी हाथियों की डिवॉर्मिंग डोज और वैक्सीनेशन भी दी गई। हाथियों के भोज की व्यवस्था दुधवा कैंप के अलावा बेस कैंप सलूकापुर में आयोजित किया गया। FD संजय पाठक ने बताया कि यह हाथियों का तीसरा भोज है, इससे पहले 2 भोज का आयोजन किया जा चुका है। जो हाथियों के स्वास्थ्य परीक्षण का तीसरा चरण था, और बड़े ही हर्ष का विषय है कि सारे के सारे जो हमारे हाथी हैं वो बिल्कुल स्वस्थ पाए गए हैं। किसी को भी कोई गंभीर किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं है। और जो ये प्रक्रिया है, ये तीसरा चरण था जिसमें कि इनको डीवर्मिंग करने का, प्लस जो मिनरल्स का जो सप्लीमेंट है वो देने का, मल्टीविटामिन देने का, ये सब सिलसिला किया गया है।